गुड मॉर्निंग क्लास 9 में चैप्टर 7 ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी त्रिभुज होता है। ठीक, तो आज हम त्रिभुजों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए त्रिभुज क्या है, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से जो घिरी आकृति है उसके जो ये देखिए इसका जो क्षेत्र एरिया है ये कहलाता है त्रिभुज। ठीक है, अब त्रिभुज में देखिए शीर्ष होते हैं और भुजा, त्रिभुज की जो भुजा होती है ये भुजा होती है। ठीक, तो शीर्ष और तीन भुजा तीन शीर्ष होते हैं। ठीक, अब त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार में भुजा होती है, कोण होते हैं और शीर्ष बिंदु होते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट है समद्विबाहु त्रिभुजों के गुणधर्म। स्टूडेंट्स आपको मैंने समद्विबाहु और त्रिभुज जितने प्रकार हैं उसका अध्ययन कराया था। ठीक, उनमें से एक इंपॉर्टेंट है समद्विबाहु। ठीक, समद्विबाहु का मतलब होता है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं एक जैसी हो और दूसरी अलग हो। ठीक है, तो ये भुजा ए और बी, ये भुजा और ए और सी क्या है, एक जैसी है, बी सी से अलग है। ठीक, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं चित्र से। ठीक, चलो चित्र बनाते हैं। ये चित्र है, भुजा ए भुजा ए भुजा बी और भुजा सी, ए बी और ए सी भुजा दोनों बराबर, ए बी बराबर है एसी। ठीक है, और कोण भी, कोण को इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो कोण भी बराबर है कोण सी के। ठीक, ये सब गुण होता है। देखिए अब एक प्रमेय है, क्वेश्चन है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 अंश और ए बी बराबर है एसी के, कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आपको पहले मालूम होना चाहिए कि भुजा कौन सी होती है और कोण कौन सी होती है। ठीक, तो कोण ए दिया है 90 डिग्री। ठीक है, ये देखिए 90 है ना, तो ये बात किस कोण की बात हो रही है। अब ए बी बराबर एसी मतलब जो ए बी रेखा है ये वाली रेखा इस रेखा के सिमिलर, इसलिए कोण बी कोण सी जो है वो भी बराबर होगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, अब आगे कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश होता है। स्टूडेंट एक देखिए चित्र में आपको बताते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ये वाले एक दो और ये तीन। ठीक, ये 60-60 इंच के होते हैं। ठीक है, ये निम्न कोण कहलाता है। ठीक, तीनों कोण का योग होता है 180 इंच। ये कहा गया है कि ए बी और सी, हाँ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर है 180 अंश। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे तो 180 होगा। ठीक, आगे त्रिभुज के कोणों के योग का नियम ये कहलाता है, समझ में आया। अब आगे कोण ए क्योंकि दिया है 90 डिग्री, हमको सवाल में हल किया हुआ है ना, तो एक स्थान पे क्या लिखेंगे 90 अंश। ठीक है,
कोण बी के बराबर है, क्योंकि दोनों जो है 60-60 अंश के हैं, इसलिए कोण बी के स्थान पर कोण बी लिखा है, ठीक, बराबर 180 अंश। ये दिया है रीजन, सी बी के बराबर है इसलिए सी के स्थान पर बी लिखा, ठीक है। अब यहाँ ये वाला रीजन, कोण बी धन कोण बी कितना होगा, दो कोण बी के बराबर, ठीक। आगे दो कोण बी बराबर 180 में से 90 को क्या करेंगे, माइनस, है ना, माइनस करेंगे तो ये 90 आएगा, इसलिए कोण भी बराबर होगा 90/2, ठीक है। अब 2 से 1 और 90 इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 45, इसका मतलब है कोण बी और कोण सी ये भी होगा कितना है 45 अंश के बराबर, ठीक है। देखते हैं एक क्वेश्चन, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु, समबाहु से स्पष्ट है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान जो है लंबाई की हैं, ठीक, समबाहु तो बनाते फिर से देखते हैं। दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा AC, ठीक, तीनों क्या है बराबर है, तभी तो ये समबाहु है, समान, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर AC है और 5 सेंटीमीटर BC है, तो ये क्या हुआ समान, ठीक। अतः कोण B बराबर कोण C, जब देखिए जब भुजाएं समान है तो इसका जो कोण B ये क्या होगा कोण C के बराबर होगा, ठीक है, कोण भी बराबर कोण सी, समान भुजाओं के सम्मुख कोण मतलब आमने सामने कहते हैं, ठीक। आगे कहा सी बी बराबर सी ए, अब सी और बी कहाँ है, देखो सी बी बराबर किसके, सी ए के, तो कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण ये कहलाएगा, ठीक। अब समीकरण एक और दो से, एक में लिखा था ए और दूसरे में सी लिखा था, तो तीनों क्या है कोण बराबर हो गए, तथा ये तो क्या है ज्ञात, ज्ञात का मतलब है कि त्रिभुज की जो तीन कोण है उसका योग होता है 180, कैसे होता है कोणों के नियम से, है ना। ए बी और सी, तो जब तीनों कोण बराबर है कोण ए कोण बी और कोण सी प्लस कोण बी प्लस कोण सी, अब यहाँ कोण ए और बी बराबर क्या है सी है और ए है, तो बी के स्थान पे क्या लिख देंगे ए और सी के स्थान पे भी कोण ए होगा, है तीनों बराबर हो गए, ये 180 डिग्री के बराबर हो गई, यहाँ पे ये है, ठीक। आगे ये एक वन वन और वन कितने हो गए, वन वन प्लस वन प्लस वन, ठीक, तो थ्री कोण ए बराबर 180 अंश, ठीक। अब कोण ए की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कोण ए बराबर होगा 180/3, ठीक है, तीन से कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 60 अंश, ठीक है। तो प्रत्येक कोण क्या हुआ, ए बी हुआ 60 अंश का, बी और सी दोनों कोण 60-60 अंश के, अतः समझाओ त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप लोग अपनी नोटबुक में चित्र बनाएंगे और एक चित्र को 5-5 बार बनाएंगे तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आज इतना ही।